आज करते हैं हम कार रिगिंग में और आगे। लास्ट सेशन में हमने इसका बोनेट बाइंड किया था लाइक दिस, हमने स्टेयरिंग्स बाइंड कर दिए थे, टायर हिल रहे हैं, और कार बाइंड कर दी थी कि कार चले तो टायर भी चले, चल रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि अगर टायर नीचे जाए तो बॉडी भी तो नीचे जाएगी, फ्लेक्सिबल रहेगी बॉडी तो, पर टायर तो अनलिमिटेड जा रहे हैं, इतने नीचे थोड़ा ना जाते हैं। तो हमें क्या करना है, टायरों के कंट्रोलर्स में, टायर्स के कंट्रोलर्स में हमें लिमिट बांधनी है। तो लिमिट के लिए लिमिट इंफॉर्मेशन लो और नॉट रोटेशन ओनली ट्रांसलेट वाई एक्सिस की, अब इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा, पर ये भी ज्यादा है, मैं चाहता हूं इतना ही ऊपर जाए, 0.40 डालो, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा, पर ये मैं चाहता हूं थोड़ा कम हो, ठीक है। अब दूसरी साइड चलते हैं, इसे भी लिमिट दे देते हैं सेम, तो अब हम बाइंड करेंगे। मुझे इसके रोटेशन के साथ इसकी रोटेशन बाइंड करनी है, तो क्या करोगे, एक्सप्रेशन एडिटर यूज करो, इसकी ट्रांसलेट वाई और इसकी रोटेशन एक्स, बाइंड कर दो। अब देखो इसको नीचे ले जाने पे ये रोटेट हो रहा है पर उल्टा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, माइनस और स्पीड थोड़ी बढ़ानी है उसके लिए, मल्टीप्लाई समझ आया, पर एक ही एक्सेस में हो रहा है, मुझे दूसरे एक्सेस में भी चाहिए, दूसरा एक्सेस इसका जेड है, कॉपी करो कंट्रोल सी कंट्रोल वी रोटेशन जेड, उल्टा हो रहा है तो उसमें माइनस हटा दो, समझ आया। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा झुकाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करो, इसी में कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, रोटेट टू, क्योंकि दूसरे का नाम रोटेट टू है, इसका नाम रोटेट टू है, ठीक है, रोटेट टू और व्हील टू के साथ बाइंड करना है, क्योंकि इसको नीचे ले जाएंगे तो भी तो होगा और उल्टा हो रहा है,
हो गया तो बिल्कुल ही झुक गई कार। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ लिमिट नहीं लगे ना। अब अगला टायर हो गया। अभी अब पता चल रहा है रेक्टेंगल क्यों लिया था पहले दिन? इस कारण से लिया था कि चारों टायर्स बाइंड हो जाएं। तो मैंने चार स्क्रिप्ट लिखी चारों टायरों के लिए। एट्टी है क्या? उल्टा हो रहा है। तो ये भी हो गया लिमिट कर तो दी। मैंने सब में 80-80 तो रखी थी, मैंने बढ़ा दी थी बात। चारों टायर बाइंड हो गए। अब दोनों टायर को खींच रहे हो तो दोनों बैलेंस में जा रहे हैं, और चारों को खींचूंगा तो भी बैलेंस में जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ मान लो शीशे नीचे करने के लिए कि यहाँ पे मिरर का ऑन ऑफ का बन जाए फंक्शन, तो एक ऐड एट्रीब्यूट करो ग्लासेस स्क्रॉल। मैं चाहता हूँ -10 से +10 तक का बने। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका जो पिविट पॉइंट है यहां रखना है।
मैं चाहता हूँ पिविट पॉइंट ऐसा हो जाए तो उसके लिए कंट्रोल जी कर दो, इसका पिविट पॉइंट ऐसा हो जाए उसके लिए क्या करना, एक नल ऑब्जेक्ट बनाना, नल ऑब्जेक्ट को बोलते हैं लोकेटर, ठीक है। उस लोकेटर को यहीं पे ले आना, लोकेटर को इसी मिरर के डायरेक्शन में रोटेट करो, देन इस मिरर को इस लोकेटर का चाइल्ड बना दो। तो इस लोकेटर को अगर स्केल करोगे तो देखो मिरर अपने आप स्केल हो रहा है। तो आप इस लोकेटर की स्केलिंग को लोकेटर की स्केलिंग को नहीं, इसमें जरूरत नहीं है ना, इसमें तो लिमिट लगी भी है। इसका ओनली स्केल है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे पूरी टेन वैल्यू हो जाए, इतना ना खींचे तो डिवाइड करवा दूँ। एक मिनट, लिमिट ये भी तो लिमिट ही होती है। लो लग गई लिमिट, हमारे ग्लासेस भी हो गए कंप्लीट। अब मैं चाहता हूं मान लो कार अनलिमिटेड चलती रहे, ये कार अनलिमिटेड चलती रहे मान लो जेड एक्सिस में, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन बाइंड कर सकते हो। इसकी जेड एक्सिस को कि जेड एक्सिस को इक्वल टू टाइम रख दोगे तो क्या होगा, जब तक टाइमलाइन रन करेगी, जब तक टाइमलाइन होगी, जब तक ये कार चलेगी। अब देखो अपने आप चलती रहेगी, स्पीड बढ़ानी है। अच्छा इसको इसका चाइल्ड बना दो, उन्हें भी चाइल्ड बना देना। अब देख रहे हो कार चल रही है तो उसके टायर भी घूम रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि कैमरा मान लो ऐसा लगेगी टायर के कैमरे के ऊपर से चलेगी कार, तो कैमरा यहाँ रखो,
समझ आया? तो आज हम कार रिगिंग कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे करेंगे।